ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल प्योरिटी ऑफ लाइफ में मैं नीलम शुक्ला आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ आश्विन मास में आने वाली शारदीय नवरात्रि के बारे में। शारदीय नवरात्रि साल 2021 में कब से शुरू है, कब समाप्त होगी और कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या होगा, कलश स्थापना की विधि क्या होगी, नवरात्रि में हम किस दिन माँ भगवती दुर्गा के कौन से स्वरूप की आराधना करें, अष्टमी तिथि कब है, नौमी तिथि कब है और दशहरा कब है, ये सभी बातें मैं आज आपसे इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। नवरात्रि का महामंत्र क्या है इसके बारे में भी हम जानेंगे और नवरात्रि में हमें किन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, कौन सी गलतियाँ अगर हम करते हैं तो नवरात्रि में व्रत का पूजा का कोई फल आपको प्राप्त नहीं होगा, ये सभी बातें मैं आज आपसे इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देख लीजिए और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी कीजिए, शेयर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन को प्रेस कर लीजिए, इससे ये होगा कि इस तरह की सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त हो जाएगी। बात करें शारदीय नवरात्रि की, तो आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से लेकर और नौमी तिथि तक शारदीय नवरात्रि होती है। इन नौ दिनों में हम माँ भगवती दुर्गा के नौ स्वरूपों की आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, माँ को प्रसन्न करने के लिए मंत्र जप करते हैं और बहुत से भक्त इस समय में नवरात्रि के नौ दिनों तक व्रत भी धारण करते हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है सनातन धर्म में नवरात्रि का ये व्रत, जो कि समस्त प्रकार के कष्टों से निवारण करता है, समस्त प्रकार के दुखों से मुक्ति मिल जाती है और माँ भगवती दुर्गा जब प्रसन्न होती हैं तो समस्त प्रकार के सुख प्रदान करती हैं, समस्त प्रकार की जो हमारी कामनाएं होती हैं वो पूर्ण हो जाती हैं माँ दुर्गा को प्रसन्न करने से। तो बहुत विशेष समय है माँ दुर्गा की कृपा पाने का ये, और इस नौ दिन में हम माँ भगवती दुर्गा के जिन नौ स्वरूपों की पूजा आराधना करते हैं वो है प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्र घंटेति, कुष्मांडेति, चतुर्थकम पंचमम स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनीति च, सप्तमम कालरात्रीति, महागौरीति चाष्टमम, नवमम सिद्धिदात्री च, नव दुर्गा प्रकीर्तिता। माँ भगवती दुर्गा के ये नौ रूप हैं जो नवरात्रि के नौ दिनों में हम माँ भगवती दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए आराधना करके और पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं, मंत्र जप करते हैं, व्रत धारण करते हैं कि हे माँ हम पर प्रसन्न हो और हमारे जितनी भी दुख हैं, जितनी भी परेशानियां हैं उन परेशानियों से हमें मुक्ति मिले और हमारे मन की कोई भी कामना हो वो हम माँ से कहते हैं तो शीघ्र ही पूर्ण हो जाती है। बहुत महत्वपूर्ण होती है नवरात्रि। लेकिन नवरात्रि के इन नौ दिनों में कुछ बहुत ज़रूरी बातों का भी हमें ध्यान ज़रूर रखना चाहिए अगर हम चाहते हैं कि माँ दुर्गा की कृपा हमारे ऊपर बनी रहे और माँ दुर्गा इन नौ दिनों में हमसे प्रसन्न हो जाएं। तो कुछ बहुत ज़रूरी बातों का ध्यान रखना चाहिए। कौन सी है वो बातें, देखिए नवरात्रि के इन नौ दिनों में किसी भी प्रकार से आपके घर में तामसिक भोजन का प्रयोग ना हो, तामसिक चीज़ों का सेवन आप ना करें, इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। अगर आप व्रत करते हैं अत्यंत ही श्रेष्ठ है, लेकिन जो लोग व्रत नहीं करते हैं उन्हें भी इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। परिवार के सभी सदस्य इस बात का ध्यान रखें क्योंकि व्रत सब नहीं करते हैं और व्रत कोई एक व्यक्ति करता है, बाकी सब लोग सोचते हैं कि हम तो तामसिक चीज़ें ले सकते हैं क्योंकि व्रत हम नहीं कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। अगर आप व्रत कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, परिवार में शुद्धता का, सात्विकता का पूरी तरह से पालन होना चाहिए, तो आपके किचन में किसी भी प्रकार से तामसिक चीजें ना बने, इस बात का आप ध्यान रखिए। तामसिक चीजें क्या होती हैं, लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, किसी भी प्रकार से आपके घर में प्रयोग ना हो, कोई भी परिवार का सदस्य इन चीज़ों का सेवन ना करें, आप इस बात का ध्यान रखें। इसके अलावा घर में लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए, घर में कोई भी किसी भी प्रकार का भी कलह क्लेश ना हो, वाद विवाद ना हो, इस बात का ध्यान रखें। और घर में साफ़ सफाई का पूरा ध्यान रखिए, इसके लिए आप नवरात्रि से पहले ही घर के कोने कोने की सफाई कर लीजिए। जैसे कि पितृ अमावस्या आ रही है तो अमावस्या पर सफाई करना बेहद शुभ माना जाता है, तो सफाई आप एक दिन पहले कर लीजिए घर के पूरी तरह से, और उसके बाद से जब माँ दुर्गा का आगमन होता है प्रतिपदा तिथि पर तो साफ सुथरा स्वच्छ आपका घर होना चाहिए, सकारात्मक घर का माहौल होना चाहिए। घर में पूरी तरह से गंगा जल छिड़क कर शुद्ध कर लीजिए, उसके बाद से माँ दुर्गा की अपने घर में कलश या चौकी स्थापित कीजिए। दोस्तों, इस बार की नवरात्रि जो है वो प्रारंभ हो रही है 7 अक्टूबर से प्रारंभ होकर नवरात्रि है 14 अक्टूबर तक और 15 अक्टूबर को दशहरा मनाया जाएगा। तो नवरात्रि में कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या है ये जान लेते हैं। दोस्तों, नवरात्रि में इस बार कलश स्थापना का जो शुभ मुहूर्त है 7 अक्टूबर को प्रातःकाल 6:17 से लेकर प्रातःकाल 7:07 तक,
ये बहुत शुभ मुहूर्त है जिस समय में आपको कलश की स्थापना कर लेनी चाहिए। लेकिन अगर किसी भी कारणवश इस वक्त आप कलश की स्थापना नहीं कर पाते हैं तो आप कलश स्थापना अभिजित मुहूर्त में भी कर सकते हैं। और अभिजित मुहूर्त का जो समय है सुबह 11:44 से लेकर 12:31 तक दोपहर में, यानी कि 47 मिनट का जो समय है ये अभिजित मुहूर्त का समय है। और इस समय में भी आप कलश की स्थापना कर सकते हैं अगर आप सुबह कलश की स्थापना नहीं कर पाते हैं तो। अब जानते हैं कि कलश स्थापना की विधि क्या होगी। देखिए, कलश स्थापना हम हर बार ही करते हैं तो कलश स्थापना की विधि लगभग सबको पता होती है, लेकिन फिर भी मैं एक बार आपको बता दूं, जिस जगह पर भी आप कलश की स्थापना करते हैं उस बात का ध्यान रखें कि वो पूरी तरह से साफ सुथरा हो, स्वच्छ हो। गंगा जल छिड़क लीजिए उस जगह पर जहां पर आपको माँ की चौकी स्थापित करनी है। और हाँ, माँ की चौकी स्थापित करनी है तो ध्यान रखें घर का उत्तर पूर्व कोना होना चाहिए, यानी ईशान कोण में माँ की दुर्गा की चौकी हम स्थापित करेंगे। तो चौकी स्थापित करके उसके ऊपर लाल रंग का वस्त्र बिछाएं, उसके ऊपर ही आपको कलश की स्थापना करनी है और माँ दुर्गा की मूर्ति या प्रतिमा जो आपके पास उपलब्ध है उसी चौकी पर स्थापित करें। माँ दुर्गा के दाई तरफ कलश की स्थापना की जाती है तो आप इस बात का ध्यान रखें कि कलश जो है वो माँ दुर्गा की प्रतिमा के दाई ओर होना चाहिए। कलश में आप क्या डालें, शुद्ध होना चाहिए कलश, पहले एक बार देख लीजिए अच्छे से। और कलश में आप कुछ चीजें जैसे कि सुपारी होगा, साबुत हल्दी होनी चाहिए, मतलब हल्दी की गांठ, और एक लौंग का जोड़ा हो, एक जोड़ा इलायची डाल दीजिए उसमें। इसके साथ ही आप 1 रुपए का सिक्का डाल सकते हैं, चाहे तो चांदी का सिक्का डाल सकते हैं। कलश पे आपको पंच पल्लव रखना है, या पांच पंच पल्लव अगर ना मिले तो आम के पत्ते भी रखकर उसके ऊपर आप नारियल की स्थापना करें और इस प्रकार से आप कलश की स्थापना कर दीजिए। मंत्रोच्चारण के द्वारा कलश स्थापित होता है। आप स्वयं से अगर कलश की स्थापना कर रहे हैं तो माँ दुर्गा का कोई भी मंत्र आप जप सकते हैं उस समय में, जैसे कि ओम सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। इस तरह से माँ दुर्गा के किसी भी मंत्र का उच्चारण करते हुए या जय माँ दुर्गा बोलते हुए भी आप माँ दुर्गा की चौकी की और कलश की स्थापना करें, पूजा करें माँ दुर्गा को स्थापित करके, शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करें, या फिर आप अखंड दीपक जलाना चाहते हैं तो अखंड दीपक भी जला सकते हैं। अब जानते हैं क्योंकि जो तिथियां हैं 7 अक्टूबर से शुरू होकर और 14 अक्टूबर पर नवरात्रि समाप्त हो गई तो तिथि बहुत कम प्राप्त हो रही है, और किस प्रकार से आप माँ दुर्गा के कौन से स्वरूप की आराधना किस दिन करेंगे ये जान लेते हैं। नवरात्रि की शुरुआत दोस्तों 7 अक्टूबर से होगी, दिन गुरुवार है, और पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा होगी, आप कलश की स्थापना करेंगे। दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी यानी 8 अक्टूबर को आप माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करेंगे। 9 अक्टूबर को माँ चंद्रघंटा और माँ कुष्मांडा की पूजा की जाएगी क्योंकि यहाँ तिथियां मिश्रित हैं। 10 अक्टूबर को चौथे दिन माँ स्कंद माता की पूजा होगी। 11 अक्टूबर को माँ कात्यायनी की पूजा करेंगे और 12 अक्टूबर को माँ कालरात्रि की पूजा की जाएगी। और 13 अक्टूबर के दिन 7वें दिन माँ महागौरी की पूजा करेंगे। उसके बाद 14 अक्टूबर को माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाएगी। तो इस बार तिथियां क्योंकि मिली हुई हैं इसलिए आप माँ दुर्गा की जो पूजा करेंगे कई दिन दो दो स्वरूपों की पूजा आराधना होगी, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। और हाँ, नवरात्रि के बीच में भी मैं आपको वीडियोस देती रहूंगी, हर दिन की पूजा की विधि मंत्र और भोग सभी चीजें आपको समय पर उपलब्ध हो जाएंगी, तो चैनल से जुड़े रहिए ताकि सभी जानकारी आपको समय पर प्राप्त होती रहे। 15 अक्टूबर को दशहरा मनाया जाएगा। अब कई लोग दशमी तिथि के दिन ही पारण करते हैं, तो जो लोग नवरात्रि में दशमी तिथि के दिन हवन पारण इत्यादि करते हैं वो 15 अक्टूबर को करेंगे, नहीं तो अष्टमी तिथि पर आप करना चाहते हैं तो अष्टमी तिथि इस बार 13 अक्टूबर को है और नौमी तिथि 14 अक्टूबर को होगी। तो इस प्रकार से कई लोग अष्टमी पर भी कन्या पूजन करते हैं, कई लोग नौमी पर कन्या पूजन करते हैं। तो जिस प्रकार से आपके परिवार में होता है आप उस प्रकार से पूजा संपन्न कीजिए। विधि पूर्वक जब हम माँ की आराधना करते हैं सच्चे मन से तो समस्त प्रकार की कामनाएं हमारी पूर्ण होती है, माँ भगवती दुर्गा की कृपा हमें प्राप्त होती है। नवरात्रि में सभी कामनाओं को सिद्ध करने वाला, सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाला जो मंत्र माना जाता है वो है नवार्ण मंत्र। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, इस मंत्र के जप द्वारा आप समस्त प्रकार के कार्यों की सिद्धि कर सकते हैं और ये सिद्ध मंत्र है, जपने मात्र से ही आपको फल प्राप्त हो जाता है। दोस्तों, आशा करती हूँ शारदीय नवरात्रि से जुड़ी हुई ये महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए अवश्य उपयोगी सिद्ध होगी। और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर दीजिए, शेयर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को जरूर प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस तरह की सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त हो जाएगी। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।